हेलो गाइस, दिस इज जयेश जी और आज हम बात करेंगे द हिंदू पीआईबी न्यूज़ एनालिसिस की। ओके, टुडे 6 जून 2018। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइफ इन प्लास्टिक, दिस इज एडिटोरियल ऑन टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर। देखिए बोलता क्या है आर्टिकल, राइटर बोल रहे हैं कि यूएन, यूनाइटेड नेशन ने जो अब की बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था उसमें इंडिया को चूज किया एज ए होस्ट कि यू होस्ट, एंड द थीम वाज फॉर दिस एनवायरनमेंट डे। एनवायरनमेंट डे कब था? इट वाज ऑन यस्टरडे 5th of June 2018। इंडिया, राइटर क्या बोल रहे हैं कि द हमने स्लोगन तो दिया बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इस बार का, बट इंडिया खुद एक मेजर प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। मतलब जो ये इतना ज़्यादा वेस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं, जो कि थ्रू रिवर, रिवर के थ्रू हम इन ओशियंस में डंप कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है? सॉरी, हर्षवर्धन सिंह, हर्षवर्धन, सॉरी। उन्होंने क्या बोला है कि जो स्लोगन बीट प्लास्टिक पोल्यूशन अब की बार एनवायरनमेंट डे पे था, वो सिर्फ एक स्लोगन नहीं रहेगा, विल नॉट बी ए एम्प्टी स्लोगन, कोई एक एम्प्टी स्लोगन नहीं रहेगा। लेकिन राइटर इसको भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं और बोल रहे कि ये बातें सिर्फ बोलने से नहीं होगी कि बीट प्लास्टिक पोल्यूशन सिर्फ एक स्लोगन नहीं होगा। आगे उन्होंने डिफाइन किया कि क्या क्या रीजन है जो राइटर ऐसे बोल रहे हैं। फर्स्ट देखिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेगरा रिवर सिस्टम, ये अभी मैं दिखाऊंगा कहाँ पे है। आपको पता, गंगा और ब्रह्मपुत्र एंड मेघना जो आप देखेंगे अभी मैप में, इज ऑन यूएन मैप ऑफ 10 रिवर्स वर्ल्ड वाइड कैरी द प्लास्टिक वेस्ट इन टू दी ओशियन। यूनाइटेड नेशन के जो 10 ऐसे रिवर सिस्टम अराउंड अक्रॉस द वर्ल्ड, उनमें से ब्रह्मपुत्र, मेघना एंड गंगा रिवर सिस्टम जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके प्लास्टिक डंप करते हैं, वो भी उन आउट ऑफ 10 में से एक है यूएन की नज़र में। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, हमने देखिए कुछ रूल्स भी बनाए हुए, ऐसा नहीं कि हमने रूल नहीं बनाए हुए, लेकिन बस वो राइटर बोल रहे कि पेपर पे ही रहते हैं। जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बना हुआ है, सेकंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2016 में जो बना था, बट मोस्टली रिमेन्स ऑन पेपर। राइटर बोल रहे कि लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए पेपर पे बने हुए हैं, ये फिजिकली इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं और इनका हनन होता है, इनका कोई पालन नहीं होता है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक, अभी देखिए ड्रिंकिंग वाटर में भी माइक्रो प्लास्टिक आपने सुना होगा, वो राइटर बोल रहे हैं कि पाया जाता है आज के टाइम में। कुछ फिशेज जो मैरिन होते हैं पानी में जो रहते हैं, वो सभी फिश वगैरह में भी माइक्रो प्लास्टिक्स आज के टाइम में पाया जा रहा है, लेकिन थोड़ा कम क्वांटिटी में। रिस्पॉन्स, हमारे रिस्पॉन्स देखिए क्या रहा है इंडियन गवर्नमेंट का या कम्युनिटी का, तो राइटर बोल रहे कम्युनिटीज एंड एनवायरनमेंट माइंडेड, जो एनवायरनमेंट से प्यार करते हैं, लोकल बंदे, आम जनता आर अहेड ऑफ गवर्नमेंट एंड म्यूनसिपल अथॉरिटीज़। वो गवर्नमेंट और म्यूनसिपल अथॉरिटी से ज़्यादा बेटर काम कर रही है एज ए वॉलेंटियर, और हमारी गवर्नमेंट और वो एनवायरनमेंट अथॉरिटीज़ सिर्फ लॉ बनाती है, उनको फिजिकली इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं, कोई मेक श्योर नहीं करता। सोल्यूशन वे ऐड क्या हो सकता है? देखिए राइटर बोल रहे कि सेंटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जो लॉ मेड बनाए गए उनको इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकल लेवल पे हो रहे कि नहीं वो भी चेक करना पड़ेगा। सेकंड, रेगुलेशन टू स्टॉप सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स, अब भी क्या बोल रहे हैं राइटर की जो सिंगल यूज प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं जैसे प्लास्टिक बैग्स, कटलरी, उनको ऐसे मैन्युफैक्चरर को स्टॉप करना पड़ेगा
और उनको इनक्रेज करना पड़ेगा कि वो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स बनाए। देखिए पीआईबी में एक न्यूज है, उसको हम डिस्कस करेंगे। बैग गैस एक रहता है जो कि IRCTC ने आज कल के दिन पे ही वो लॉन्च किया है कि वो जो आइटम जो भी सेल करेंगे ट्रेन में, तो वो सब जो बैगेज बोलते हैं, जो गन्ने का जूस बनाने के बाद, शुगर केन जूस निकालने के बाद जो रेसे टाइप जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है, उसके यूज से वो बनाएंगे, जो कि एक बायोडिग्रेडेबल होगा, उससे बैग्स बनेंगे, ठीक है, और भी कई सामान बनाएंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे। वो भी पीआईबी का आर्टिकल इसमें इंक्लूड है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। तो ऐसे बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी उनको इनक्रेज किया जाएगा। सर्टिफिकेशन, आगे राइटर बोल रहे कंपोस्टेबल। कंपोस्टेबल क्या होते हैं कि देखिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, कंपोस्टेबल हम बोलते हैं। एवरी बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट मे बी कंपोस्टेबल, बट कंपोस्टेबल प्रोडक्ट्स मे नॉट बी बायोडिग्रेडेबल। ये डेफिनेशन आप सर्च करिए, आपको पता चलेगा। कंपोस्टेबल बैग शुड गेट सर्टिफिकेट फ्रॉम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। बहुत अच्छी बात बोली गई कि CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक सर्टिफिकेट सर्टिफिकेशन इशू करना चाहिए वैसे बैग को, और आगे ये भी बोल दे राइटर कि उसका हनन, उसका काउंटरफिट रोकने के लिए कि कोई फिर भी ना बनाए, तो लोकल अथॉरिटी को बीच में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। ओके, उसके बाद ये देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र आपको पता है, अच्छा अब ये फाइंड आउट करिए कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से ओरिजिन होता है। तिब्बत पहले बोलते थे, लेकिन आज ये चाइना ने इस पर कब्जा किया हुआ है, तो अभी चाइना ही बोला जाता है कि चाइना से निकलता है और फिर यहाँ हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट से निकल कर वो बंगाल में गिरता है। गंगा कहाँ से निकलता है, यहाँ से आके ये भी बे ऑफ बंगाल में गिरता है। मेघना रिवर एक्चुअली ये इंडिया में जनरेट होता है और इसको बराक बोलते हैं इंडिया में, बट आगे जाके ये इसका नाम चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है वो बताइए आप। तो ये रिवर सिस्टम जो तीनों का कंबाइन है, सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट कैरी करता है अपने साथ। ओके, नेक्स्ट है मेघना इज ए फॉर्म इन साइड बांग्लादेश। मेघना रिवर के बारे में कुछ बताया गया। इन किशोरगंज डिस्ट्रिक्ट अबो द टाउन ऑफ बैराज बाजार बाय द ज्वाइनिंग ऑफ सुरमा एंड कुशियारा। दो रिवर के मिलने से बनता है सुरमा एंड कुशियारा, बोथ ऑफ विच ओरिजिन द हिली रीजन ऑफ वेस्टर्न इंडिया एज द बराक रिवर। ये एज ए बराक रिवर इंडिया में जनरेट होती है, फिर ये सुरमा एंड कुशियारा के मिलने से आगे कंबाइनली इसको मेघना रिवर बोलते हैं बांग्लादेश। ए बायोडिग्रेडेबल मेटेरियल इज नॉट नेसेसरी कंपोस्टेबल, बट ए कंपोस्टेबल मेटेरियल इज ऑलवेज बायोडिग्रेडेबल। फैमिलियर मूरिंग्स, नेक्स्ट एडिटोरियल है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब इन तीन देशों की विजिट पे गए थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर। तो आपको पता है कि ये तीनों हमारे बहुत महत्वपूर्ण कहिए ऐसी कंट्रीज है जो कि हमारे ईस्ट में है, जो पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन के बीच में ये तीनों कंट्री पड़ते हैं। तो एज अगर आज के टाइम पे चाइना की स्ट्रेटेजी देखे, जो कि पूरे वर्ल्ड पे अपनी अपनी ट्रूप्स भेज रहा है, अपने अपने बेस बना रहा है, नावल बेसिस बना रहा है, इंडियन ओशियन में भी हस्तक्षेप कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है कंट्रीज में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, दे आर ट्राइंग टू मेक नावल बेसिस। तो उसको टैकल करने के लिए भी स्ट्रेटेजिकली हमें इन तीनों कंट्री के साथ रिश्ते निभाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी के लिए इंडोनेशिया, मलेशिया एंड सिंगापुर की विजिट की थी नरेंद्र मोदी साहब ने। द थ्री ऑफ इंडियाज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टनर्स इन साउथ ईस्ट एशिया में जो तीनों हैं। इंडियन गवर्नमेंट इज सिग्नलिंग ए बैलेंस अप्रोच टू टैकल द वर्ल्ड पोलिटिकल सीनारियो बेसिकली विद US एंड रशिया। देखिए अभी इंडिया एक अपना, ये राइटर बोल रहे हैं कि अपना अलग एक बैलेंस अप्रोच लेके चल रहे हैं आज के टाइम में, जहाँ पे एक रिवेलरी सिस्टम हो गया है एक दूसरे के साथ, कंट्रीज़ का बदला लेने की भावना सी
आ रही है आज के टाइम में, जैसे यूएस ने रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए हैं, यूएस चाइना का ट्रेड रेस एक दिख रहा है, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो यूएस के प्रेसिडेंट है, उनका कुछ समझ नहीं आ रहा है आज के टाइम में। तो हम एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना बहुत ज़रूरी है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने वो ये भी बोला है कि विल नॉट फॉलो एनी एस पर्टिकुलर सुपर पावर और एनी पावर, वी विल कंटिन्यू टू वर्क विद ऑल ऑल द नेशंस एज अवर पॉलिसी। तो ये बहुत अच्छी अप्रोच सामने आ रही है इंडिया की। तो जहाँ पे यूएस ने रशिया पे सैंक्शन लगाए कि जिसके कारण हम भी बीच में आ सकते हैं, ये कोई कंट्री रशिया के साथ ट्रेड करता है या वॉर एड खरीदता है, कोई वॉर से रिलेटेड चीज़ें खरीदता है, तो उसमें भी सैंक्शन एक तरह से लगते हैं। तो इंडिया ने यूएस के साथ रिसेंटली फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, जो उसका नाम चेंज किया था, एक आप पढ़ेंगे इसको 2-3 दिन पहले के आर्टिकल में, तो जो पैसिफिक रीजन पे उनकी टास्क फोर्स रहती थी उसका नाम चेंज करके इंडो पैसिफिक रीजन टास्क फोर्स ऐसे किया है। तो हमने रिसेंटली इंडिया के फ्री एंड ओपन ये इंडो पैसिफिक रीजन मेंटेन द इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर एंड टू वर्क टू द कम्बैट टेररिज्म एंड फाइनेंसिंग, इसके ऊपर काम किया है। तो हम ये नहीं बोल सकते हम कि सिर्फ रशिया के साथ है या किसी और इंडोनेशिया मलेशिया सिंगापुर के साथ है, हम सभी कंट्रीज के साथ बैलेंस अप्रोच के साथ चलना चाह रहे हैं, ठीक है। चाइना के साथ और रशिया के साथ भी अभी आपने देखा कि इनफॉर्मल मीटिंग्स के लिए हम प्राइम मिनिस्टर साहब गए, और रशिया देखिए हमारा बहुत अच्छा भूतपूर्व एक स्ट्रेटेजिक और एक अच्छा पार्टनर है। उसके बाद देखिए कि ये कंट्रीज़ कहाँ कहाँ हैं। देखिए इंडोनेशिया मलेशिया, ये इंडोनेशिया एक छोटे छोटे आइलैंड का कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे मलेशिया होगा, ये भी सेम, और सिंगापुर मलेशिया के जस्ट नीचे छोटा सा एक कंट्री आप बोल सकते हैं, ठीक है। अभी अभी आपको बताना है कि ये मलेशिया और ये देखिए मलेशिया और सिंगापुर जॉइंट नहीं है, ये एक स्टेट जिसको बोलते हैं उससे थोड़ा सा अलग है, जिसको जोहर स्टेट बोलते हैं, ठीक है। ये मलेशिया और सिंगापुर के बीच में है, स्टेट होता है दो आइलैंड के बीच में, एक पानी या ओशंस का एक पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओके आपको पता करना है कि जोहर मोरे ये जोहर स्टेट कहाँ पे, उसके नीचे सिंगापुर, ये सिंगापुर स्टेट है, बीच में ये गैप है, देखिए ये टच नहीं है सिंगापुर और मलेशिया, यहाँ पे जोहर स्टेट है, ओके। नेक्स्ट द फर्स्ट लार्ज एशियन अफ्रीकन और एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस ऑल्सो नोन एज मंडंग, देखिए इस आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये भी जिक्र किया कि हम एक बंडंग कॉन्फ्रेंस, जो कि शुरुआत थी एक कॉन्फ्रेंस बोलते हैं जिसको, ये 1955 में हुई थी, अप्रैल 1955 में बंडंग इंडोनेशिया में है, जिसमें 29 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये किस लिए था कि बहुत सारी, दैट कॉन्फ्रेंस वाज ओनली बाय इंडोनेशिया बर्मा पाकिस्तान सिलोन श्रीलंका एंड इंडिया। देखिए द 29 कंट्रीज पार्टी ऑफ द बंडंग कॉन्फ्रेंस रिप्रेजेंट नियरली 1/4 ऑफ अवर्स लैंड्स एंड टोटल पॉपुलेशन 1 बिलियन रफली अर्थ पॉपुलेशन एट टाइम, उस टाइम पे। तो ये हुआ किस लिए था कि बहुत सारी कॉलोनियल रूल से निकल के, ब्रिटिश रूल से निकल के आज़ाद हुई थी कंट्री, और उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि बड़ी बड़ी सुपर पावर हो गए थे एक साइड में, एक साइड में दूसरी में, तो कंट्रीज उनको सपोर्ट कर रही थी। बट ये जो पूरा ग्रुप आया था बंडंग कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उसमें नॉन अलाइन मूवमेंट का एक स्टार्ट हुआ था, मतलब कोई किसी का साथ नहीं देगा किसी सुपर पावर का। तो नरेंद्र मोदी साहब ने इसका भी जिक्र किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ एज पर यूपीएससी परस्पेक्टिव। 1955 में याद रखिएगा हुआ था बंडंग कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया में, ओके। द कॉन्फ्रेंस स्टेट एम्स फॉर ए प्रमोट एफ्रो एशियन इकोनॉमिक एंड कल्चर कोऑपरेशन, इसका एक ये भी रीजन था, एफ्रो एशियन इकोनॉमिक एंड कल्चर कोऑपरेशन एंड अपोज कॉलोनिज्म और नियो कॉलोनिज्म बाय एनी नेशन,
The conference was an important step towards the non-aligned movement. तो ये non-aligned movement के खिलाफ भी एक मिशन था, एक फर्स्ट स्टेप बोले था 1955 में. 2005 में इसकी 15th एनिवर्सरी मनाई गई. लेटर फॉर्मेशन एंड अफ्रीकन कंट्री मेट एट जकार्ता एंड बंडंग टू लॉन्च द न्यू एशियन अफ्रीकन पार्टनरशिप. अभी जकार्ता और बंडंग कहाँ है ये आप बताएंगे. देखिए अभी ये पीआईबी की न्यूज है. वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड 6000 रुपीस करोड़ फॉर अटल भूजल योजना. देखिए ये हमारे लिए किस लिए इम्पोर्टेंट, अटल भूजल योजना आप याद रखिए. एबीवाई फ्रॉम यूपीएससी परस्यू द फॉलोइंग थिंग्स आर इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स के लिए. अटल भूजल योजना क्या है आपको इसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. मेन लेवल स्कीम फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट. द वर्ल्ड बैंक अप्रूव अटल भूजल योजना रुपीज करोड़ फंड टाइप्स. सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंटर इशू कर रहा है. रिलेटिव मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज. देखिए ये भी कई बार पूछा जाता है, ऑप्शन में होता है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है. तो ये ज़रूरी नहीं कि वाटर रिसोर्सेज, बट इसमें है तो ये वाटर रिसोर्सेज. ये बड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है. कई सारे मिनिस्ट्री ऐसे कन्फ्यूजिंग होती है कि वो लगता है कि ये होगा ऑप्शन में, बट दे वो जनरली होती नहीं है. ठीक है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन. पीरियड स्कीम कब से कब तक होगी, ये 5 साल के लिए होगी, 2018-19 से 2022-23 विद वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस. वर्ल्ड बैंक के लोग भी वहाँ पर होंगे. एम क्या है देखिए स्कीम का. द स्कीम एम्स टू इम्प्रूव ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इन प्रायोरिटी एरियाज इन कंट्री थ्रू कम्युनिटी वाटर. देखिए ग्राउंड वाटर क्या होता है, जो ज़मीन के अंदर वाटर है, ठीक है, वो बहुत सारा बहुत ही यूज हो रहा है, तो इससे वो इतना जल्दी रिकवर नहीं होता है. तो प्रायोरिटी एरियाज आइडेंटिफाई अंडर दिस स्कीम फॉल इन द स्टेट ऑफ गुजरात में देखिए, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश. ये याद रखना, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश. ये ऐसे स्टेट है जिनमें बहुत ज़्यादा यूज होता है ग्राउंड वाटर और उसका रिकवर नहीं हो रहा है. दी स्टेट रिप्रेजेंट अबाउट 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ ओवर एक्सप्लोइटेड. दे बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं जिनको जितना होना चाहिए. क्रिटिकल एंड सेमी क्रिटिकल ब्लॉक्स इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडिया. ये ओवर एक्सप्लोइटेड, क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल तीन ब्लॉक्स बनाए गए, उनमें तीनों में ये आते हैं ये स्टेट्स. दे आल्सो कवर टू मेजर टाइप्स ऑफ ग्राउंड वाटर सिस्टम फाउंड इंडिया, एल्यूवियल एंड हार्ड रॉक एक्विफर्स, एंड हैव वेरिंग डिग्रीज ऑफ इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस एंड एक्सपीरियंस इन ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट. रेगुलेशन रेगुलेशन कब तक क्या क्या बनाए. सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी CGWA इज रेगुलेटिंग ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट इन 23 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज. देखिए 29 स्टेट्स है टोटल, लेकिन 23 स्टेट्स में ही है अभी तक ये वाटर अथॉरिटी सेंट्रल की. फॉर इन्फोर्समेंट द अथॉरिटी रेगुलेटरी मेजर इन दीज एरियाज कंसर्न डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैव बीन डायरेक्टेड अंडर सेक्शन 5 फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 टू टेक नेसेसरी एक्शन इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ डायरेक्टिव ऑफ CGWA. देखिए ये बहुत अच्छी बात बताई गई है. ये रूल रेगुलेशन मेंटेन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कंसर्न डिप्टी कमिश्नर को इन्फोर्स किया गया है, उनको पावर दी गई है कि वो सेक्शन 5 ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 याद रखिएगा को के अगर कोई वायलेट करता है उसके अगेंस्ट में इस एक्शन के अंडर वो नेसेसरी एक्शन ले सकते हैं. फंड मोबिलाइजेशन का क्या मतलब होता है, फंड एक जगह से दूसरी जगह पे दिए जा रहे हैं. फंड्स अंडर द स्कीम विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टेट्स फॉर स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राउंड वाटर गवर्नेंस एज वेल एज फॉर इंकरेजिंग कम्युनिटी. ठीक है, स्टेट सेंटर से स्टेट को दिया जाएगा पैसा उसमें फंड लगाने के लिए. इन्वॉल्वमेंट ऑफ इम्प्रूव ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट टू फोस्टर बिहेवियरल चेंजेस दैट प्रमोट कंजर्वेशन एंड एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर. ठीक है, कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है ताकि उनका जब तक देखिए अगर कम्युनिटी हम लोग सतर्क नहीं होंगे तो कुछ सरकार चाहे कितना भी कर ले अगर हम पानी वेस्ट करेंगे. देखिए मैं
आपको इनक्रेज करूंगा कि जो पानी का वेस्टेज जो फालतू में किया जाता है, कि हम अपनी कारें बाइक्स सब वॉश करते हैं जनरली कभी कभार ठीक है, बट कुछ लोग देखे हमेशा पानी से ही साफ़ करते हैं उसको। ज़रूरी नहीं आप एक साफ़ कपड़ा लेके भी कर सकते हैं, ये पानी हमें कल के लिए भी बचाना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। द स्कीम विल ऑल्सो फैसिलेट अ कन्वर्जेंस ऑफ गंगोई गवर्नमेंट स्कीम इन दी, देखिए इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कीम इज टू बेनिफिट नियरली इम्प्लीमेंट दिस स्कीम विल, ये स्कीम किस किस को बेनिफिशियल बेनिफिट देगी। नियरली 8350 8350 ग्राम पंचायत इन 78 डिस्ट्रिक्ट इन दी स्टेट्स, इन सभी स्टेट्स की लगभग 8350 ग्राम पंचायत और जो कि 78 डिस्ट्रिक्ट में है उनको फायदा देगी। फंड्स अंडर द स्कीम विल बी मेड अवेलेबल टू दी पार्टिसिपेटिंग स्टेट एज ग्रांट्स, वो ग्रांट दिए जाएंगे। ग्रांट्स क्या होता है, जो एक बार दिया जाता है वो रिटर्न में नहीं लिया जाता। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, राइटर बोल रहे कि बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार ही सब कुछ कर सकती है, हमारा रोल भी एज ए सिटीजन हमारा रोल बहुत बड़ा होता है। सॉरी नेक्स्ट है, देखिए ये जो मैं बात कर रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज PSU जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की, IRCTC इंट्रोड्यूस बैगीज बेस्ड पैकेजिंग टू कमेमोरेट, कमोरेट होता है मतलब मनाना, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2018। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की PSU और IRCTC ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, बैगेज होता है जो कि मैंने बताया था आपको शुगर केन से जो जूस, गन्ने का जूस निकालने के बाद जो रेसेदार जो अपशिष्ट मटेरियल जो बच जाता है जो फेंक देते हैं, उससे बायोडिग्रेडेबल बैग्स बनाए जाएंगे। तो टू प्रमोट द क्लीनर एंड ग्रेटर इंडिया एंड थ्रू रेलवेज, ठीक है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मेड टू कलेक्ट यूज पैकेजिंग विच टिल दे प्रोसेस फॉर डिस्पोजल एंड कंपोस्टिंग इंश्योर एनवायरमेंट, उसको रिसाइकिल की भी कोशिश की जाएगी। वट इज बैगेज, बैगेज द फाइब्रस रिमेन्स लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग शुगर केन जूस, वही मैंने जो बोला था, इज बींग यूज टू मेक डिस्पोजल कटलरी एंड कंटेनर इन विच मील्स विल बी सर्व, बहुत अच्छा है कि इसमें ही मील सर्व किए जाएंगे IRCTC के द्वारा, रेलवे के द्वारा। एम ऑफ इनिशिएटिव मैंने बताया अभी, पैकेजिंग एक अल्टरनेटिव नॉन बायोडिग्रेडेबल और राजधानी शताब्दी उनको रिप्लेस करने के लिए जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज किए जाते हैं इन राजधानी शताब्दी एंड दुरंतो ट्रेन्स, इन्हीं में किया जाएगा। देखिए राजधानी शताब्दी एंड दुरंतो ट्रेन्स में इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल जो यूज करते हैं हम उनकी जगह मील सर्व करने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। अभी देखिए लास्ट एक वो टॉपिक है PIB में, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर द अग्नि 5 मिसाइल। इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल पहले भी टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन अब की बार ये जो टेस्ट किया है ये ज़्यादा रेंज का था। देखिए अब ये इम्पोर्टेंट किस लिए है, मेंस पेपर 3 के लिए, अब देखिए साइंस एंड टेक के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स लेवल के लिए पर्टिकुलर शब्द अग्नि 5 मिसाइल्स IRINS MINS ये इसमें सब दिए गए हैं, आगे हम पढ़ेंगे। ये इम्पोर्टेंट है कि ये क्या होते हैं, ये इन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेंस लेवल के लिए स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ ICBM डेवलपमेंट फॉर इंडिया, इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये इम्पोर्टेंट है। अग्नि 5 टेस्टिंग, देखिए अभी टेस्टिंग पहले भी हो चुकी है, मैं बताया ये देख आगे पढ़ेंगे। दिस इज द 6th सक्सेसफुल टेस्ट, पहले इससे पहले 5 टेस्ट हो चुके सक्सेसफुल मिसाइल एंड द सेकेंड इन इट्स प्री इंडक्शन कन्फिग्रेशन। और लॉन्च ऑफ लोकेशन कहाँ से लॉन्च किया गया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड, आइलैंड व्हीलर आइलैंड भी बोलते हैं, ये भुवनेश्वर की कोस से, उड़ीसा की कोस से लगभग 150 किलोमीटर बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। अग्नि 5 कैन कैरी द न्यूक्लियर वारहेड वेइंग 1.5 टन टू ए डिस्टेंस ओवर 5 किलोमीटर, देखिए बहुत अच्छी इसकी रेंज है। देखिए ये जो बोल रहा है, बोले जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द चाइना के एरियाज में, चाइना कंट्री के एरियाज में लगभग हर कंट्री उसके हर एरिया में हर स्टेट में ये जाके हिट कर सकता है, क्योंकि इसकी रेंज बाकी सब अग्नि 5 मिसाइल जो टेस्ट की गई थी से ज़्यादा है, 5000 किलोमीटर। ये बैठा बैठा चाइना के किसी भी एरिया में या ईस्टर्न या मिडल लगभग
यूरोप में फायर कर सकते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियर वायर हेड ये कैपेबल है मिसाइल लेके जाने के लिए, ठीक है, वो भी 1.5 टन का, जो कि बहुत ज़्यादा है। द मिसाइल फीचर मेन इन न्यू इंडिजिनाइसली क्या होता है कि जो सेल्फ मेड होता है, ठीक है, डेवलप टेक्नोलॉजीज इन इंक्लूडिंग द वेरी हाई एक्यूरेसी रिंग लेजर्स, जायरो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जिसको RINS बोलते हैं, क्या है, रिंग लेजर जायरो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। उसके बाद MINS क्या होता है, माइक्रो नेविगेशन सिस्टम विच इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द मिसाइल। ये याद रखिएगा, RINS MINS होते हैं इसमें, हिटिंग द टारगेट विद स्पीड एंड प्रिसीजन, ये इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है। ये द मिसाइल इज, ये किस टाइप की मिसाइल है मुझे बताइएगा, ये है एक बैलिस्टिक मिसाइल, आप बताइए बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरी टाइप की क्या, कौन सी मिसाइल होगी, कमेंट बॉक्स में थोड़ा सर्च करके, ठीक है। ये काम कैसे करती है, द मिसाइल हैज़ बीन प्रोग्राम इन सच ए वे, ऐसे काम करती है कि ये फर्स्ट पीक ऑफ इस ट्रेजेक्ट्री, हवा में बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे ही जाती है कि फर्स्ट एक पीक पे चली जाती है हाइट पे, उसके बाद टर्न्स टुवर्ड्स द अर्थ इन कंटिन्यूइंग जर्नी टुवर्ड्स द इंडियन टारगेट विद इंक्रीज स्पीड। फर्स्ट एक बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे जाती है कि एक ट्रेजेक्ट्री पे ऊपर जाती है, उसके बाद पहुंचने के बाद मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद सीधा टारगेट पे आके हिट करती है। ये बैलिस्टिक मिसाइल का एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। एज द मिसाइल ने दर सच में दैट डेवलपिंग स्किन नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। बैक टू बेसिक्स, अभी देखिए अग्नि सीरीज मिसाइल्स कौन कौन सी थी। एट प्रेजेंट इट हैज इन इट्स आर्मरी द अग्नि सीरीज, अग्नि वन विद 700 किलोमीटर रेंज, देखिए 700 किलोमीटर रेंज है अग्नि वन की, अग्नि टू की 2000 किलोमीटर रेंज, ये याद रखना पड़ेगा, अग्नि थ्री की 2500 किलोमीटर रेंज, बढ़ता जा रहा है अग्नि फोर की विद मोर देन 3500 किलोमीटर रेंज, एंड नाउ अग्नि फाइव विद मोर देन 5500 किलोमीटर रेंज। ओके, सो फर्स्ट टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑफ अग्नि फाइव इन 2012, सेकेंड ऑन 13, 15, 16 एंड नाउ इन 18, ऑल द फाइव अर्ली ट्रायल्स वर सक्सेसफुल। ये याद रखना जरूरी है क्योंकि यूपीएससी पूछ सकता है कि ऑप्शन में आजकल ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कि ये सक्सेसफुल था कोई टेस्ट या नहीं था इससे पहले कोई, तो सभी सक्सेसफुल टेस्ट थे ऑल फाइव। द थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ लॉन्च वर फ्रॉम कैनिस्टर इंटीग्रेटेड मोबाइल लॉन्चर इन, ओके ये नॉट इम्पोर्टेंट, ओके। सो आई थिंक यू विल लाइक द लेक्चर। जय हिंद।